हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आज मैं आपके सामने इस नगरी में फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मेरे पास एक आईफोन है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो मेरे पास एक आईफोन है, इसको मैं अभी टच इसकी ढंग से वर्क नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसका ग्लास उतारा हुआ है। ग्लास लगाने के बाद हो सकता है कि ये ढंग से वर्क करने लग जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक मशीन है, बाबा टूल्स की मशीन है, बाबा 2100 मिनी। ये मशीन क्या कैसी है और कैसी नहीं, इसका रिव्यू आपके सामने ही। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ऊपर से ये इजीली ओपन हो जाती है। ओपन होने के साथ साथ मैट है, यहीं रख के एलसीडी ये बनेगी। और इसके अंदर देखें, हम कुछ क्वालिटी की बात करें तो पैंट भी पहले से काफ़ी अच्छा पैंट है इसके अंदर। और पैंट के साथ साथ अगर हम देखें तो ऑयल मीटर भी लगे हुए हैं इसके अंदर। ऑयल मीटर में ये होता है कि लाइफ टाइम आपका मीटर चलता है, कभी ख़राब नहीं होता इसके अंदर। हालांकि पीएलसी नहीं दी हुई, मगर पीएलसी जैसी एक मीटर दिया हुआ है जो कि नॉर्मली किसी भी एरिया में हमें इजीली ये मीटर मिल जाता है। और ये सामने दो नॉब दी हुई है, ये नॉब दी हुई है हमें लैमिनेशन को पंच करने के सेटिंग के लिए प्रेशर। और ये जो नॉब दी गई है ये बबल रिमूवर के लिए दी गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि ये मैं जो कॉपी एलसीडी होती है, काफ़ी भाई कहते हैं कि हम कॉपी एलसीडी बनाते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर का डॉट आ जाता है या किस एलसीडी ब्रेक हो जाती है या डैमेज हो जाती है। इसके अंदर हमें एक बेनिफिट मिलता है, अगर हमें लगता है कि हमारी एलसीडी आड़ी टेढ़ी किसी एंगल से रखी गई है तो हम इमरजेंसी स्टॉप दबा के हम इस मशीन को रोक सकते हैं और ऊपर से हम इसको ईजिली देख भी सकते हैं। फ्रेंड, चलिए ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो आगे शुरू करते हैं। ये मैंने आपको चेक कराया है। फ्रेंड्स, ये ग्लास है, ये ग्लास मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, आप देख ही रहे हैं। ग्लास लगाने के साथ साथ मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले। और एक ज़रूरी मैं आपको बात बता देता हूँ, इस मशीन के साथ मुझे इस टाइप के आईफोन के, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, 7 मोल्ड बिल्कुल फ्री मिले। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसको इसमें बिठानी है और बिठाने के साथ साथ लैमिनेट कर देना है ईजीली। मैं 6 का मोल्ड निकाल लेता हूँ एक बार। फ्रेंड्स, आपने इसको एलसीडी को ऐसे रखना है, सिर्फ ऐसे रखने के साथ साथ आपने इसको क्लीन कर लेना है। चलिए मैं इसी के ऊपर रख के क्लीन कर लेता हूँ इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसका वेस्ट पेपर उतारा है। और वेस्ट पेपर उतारने के साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर आपने कुछ नहीं, सिर्फ इजीली इस तरीके से इसको इस मोल्ड पे रख देना है। और मोल्ड पे रखने के बाद इसको हल्का सा बीच में से हल्का सा, जैसे आप ये डॉट आया इस टाइप से इसको प्रेस कर देना है। और इसको फिर हम यहाँ से उठा लेंगे। उठाने के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये चीज़ आती है, ये वाली इजीली अब हम इसको यहाँ रख देंगे ऐसे। इजीली रखने के बाद ये देख ही रहे हैं आप, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अब हम ये जो उसके अंदर एक मैट पहले से रखा हुआ है मशीन के अंदर, वो मैट हम निकाल के साइड कर देंगे। और साइड करने के साथ साथ हम इसको इस तरह से रख देंगे। चलिए मैं कैमरा थोड़ा पास कर लेता हूँ, हम इस टाइप से इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसको अब हमने ऐसे प्रेस, मतलब इसको हमने बंद कर दिया है। और बंद करने के साथ साथ मैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बंद करने के साथ साथ मैं इसमें एक वन क्लिक बटन दबाऊंगा, ये हमारा वैक्यूम मीटर चल चुका है, देख रहे हैं आप जैसे कि। और वैक्यूम मीटर के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमारी एलसीडी डैमेज होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आप ही के सामने प्रेस हुई है, इसमें ना कि बराबर एयर बबल है, सारे बबल लगभग निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कॉपी एलसीडी बनाई है। कॉपी एलसीडी इसलिए बनाइए क्योंकि काफ़ी भाई बोलते हैं, मुझे कमेंट करते हैं
कि हम कॉपी एलसीडी बनाते हैं और उसमें हमारी एलसीडी के अंदर या तो टूट जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये देखिए इसके अंदर सिर्फ हल्के फुल्के से, ये कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए इसके अंदर सिर्फ हल्के फुल्के से हमें कुछ बबल नज़र आ रहे हैं। वो जो बबल नज़र आ रहे हैं वो भी हम इसको वैक्यूम के जो हमारा ये हुआ है बबल रिमूवर में रखेंगे और हम इस बटन को दबा के छोड़ देंगे। ये हमारा बबल रिमूवर काम करने लग गया इजीली। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बबल रिमूवर काम कर रहा है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम एक एलसीडी और लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम वैसे ही उसी प्रोसेस से दोबारा दोहराएंगे कि हम इसमें रखेंगे इसको वापस फ्रेम के अंदर। मेरे पास एक्चुअली 2 LCD थी, ये देख ही रहे हैं आप, ये भी कॉपी LCD है। कॉपी LCD मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको लगना चाहिए कि कॉपी LCD अक्सर टूट जाती है भाई, हमारे J2, J1 वगैरह जो भी बनाते हैं J5 वगैरह कॉपी LCD की टच चेंज करते हुए वो टूट जाती है। चलिए मैं इसी तरह दूसरी LCD भी बना लेता हूँ। मैं इसके ऊपर इसको रख देता हूँ इजीली, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए मैंने इसको इस फ्रेम में रख दिया है। और फ्रेम में रखने के साथ साथ मैं वापस आपको बताऊंगा कि हमें इसको हल्का सा यहाँ से प्रेस करना है जो कि इसके अंदर इस टाइप का हल्का सा चिपक जाए। उसके बाद हम इस LCD को वापस उठा लेंगे। वापस उठाने के साथ साथ फिर हम इस LCD को इसके अंदर रखेंगे जो कि हमें ये जो है ये वाला जो आप पत्ता देख रहे हैं ये वाला पत्ता ये जो पत्ता इसके अंदर लगा हुआ है ये हमारा इस कट पर आना चाहिए, जैसे कि ये इस पर आ गया। और इस कट पर आने के साथ साथ आप एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के साथ साथ इसको वापस इसमें रख देंगे। इसमें रखने के साथ ही अब हमारे देख रहे हैं कि हमारा बबल रिमूवर भी चल रहा है इसके अंदर और मशीन के अंदर ये भी पंचिंग भी हो जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए वैक्यूम मीटर हमारा सुई इधर चली गई है जो एनालॉग मीटर होता है हमारा, और ये मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजीली पंचिंग हो जाती है इसके अंदर और बबल भी सिर्फ नाकी बराबर होते हैं इसके अंदर, कोई बबल रहते नहीं। हल्का फुल्का बबल अगर रहता है तो वो उससे वैक्यूम से हमारा निकल जाता है। चलिए इस LCD को भी अब हम लेंगे, ये मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ इसको और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स ये LCD भी मैंने इसी मशीन से बनाई है, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर भी अगर होगा हल्का फुल्का सा, अगर कहीं पे होगा तो हल्का फुल्का सा बबल होगा और वो जो बबल होगा वो मैं बबल रिमूवर की मदद से उस बबल को भी निकाल दूंगा। अब इसको हटा के मैं वापस वही मैटर देता हूँ, और क्योंकि मैंने बबल रिमूवर में मुझे रखे हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं इसको फ्रेंड चलिए काफ़ी टाइम उसमें हो चुके हैं बबल रिमूवर में रखे हुए, 1 मिनट से इसमें ज़्यादा हो चुका है। मैं इस LCD को इसके अंदर रखता हूँ और दूसरी LCD इसमें से मैं वापस निकालता हूँ, देखता हूँ कि वो मेरी LCD कैसे बनी है। ये हमारा स्टॉप बटन है, हम इससे स्टॉप करेंगे और वो LCD वापस बाहर निकालेंगे और ये LCD मैं इसमें रखूँगा जिसमें मैंने अभी ग्लास लगाया है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये LCD इसमें से निकाली है और ये LCD मैं इसके अंदर वापस रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से बबल हैं, और इसको मैं चेक कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर एक भी बबल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आपको मैं हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ढंग से नहीं दिखाया। ये देख लीजिए आप फ्रेंड्स, अब इस LCD को मैं ऑन करके देख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी भाई हमारे बोलते हैं कि कॉपी LCD हमारी टूट जाती है। चलिए देख लेते हैं कि हमारी LCD टूटी है या सही है। ये देखिए फ्रेंड
जो हमारे काफी भाई बोलते हैं कि हमारी कॉपी एलसीडी टूट जाती है, इसके अंदर कोई कॉपी एलसीडी नहीं टूटी है और हमारी टच भी जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि पहले वर्क नहीं कर रही थी, अब हमारी टच भी एकदम फर्स्ट क्लास वर्क कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन से, ये मशीन मार्केट में 60,000 रुपए की परचेस करी है मैंने मार्केट से, और इसके साथ मेरे को आईफोन के 7 मोल्ड इसके साथ मेरे को आईफोन के फ्री मिले और डेमो मैंने आपको इसके अंदर ये दिखाया है, ये इसका क्या रिजल्ट है आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और काफ़ी भाइयों की रिक्वायरमेंट ये भी होती है, काफ़ी भाई पूछते हैं कि इसकी वारंटी कितनी है, इसकी वारंटी 2 ईयर्स मुझे वारंटी भी मिली है इस साथ में। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक तो कम से कम बनता है। थैंक यू।